हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम आंचल है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आज जो मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर आई हूँ वो एक आई मेकअप ट्यूटोरियल है, और जिसे मैं बनाने के लिए काफी टाइम से सोच रही थी, पर मैं बहुत डर भी रही कि ये जो मैं आई मेकअप है इसे मैं कैरी कर पाऊंगी या नहीं, और या फिर ये बहुत ज्यादा ड्रामेटिक ना लगे। पर मुझे नई नई चीजें करना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने ये रिस्क ले लिया। और आप मानोगे नहीं, ये मेरे लिए एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं बहुत शॉक थी जब मैंने इसका रिजल्ट देखा। मुझे मेरा मेकअप लुक बहुत पसंद आया, और इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी ये शेयर करूँ, और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आपको मेरा मेकअप कैसा लगेगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, मैंने ये जो वीडियो बनाया है वो एक आई मेकअप पर है, और मैं आपके साथ मेकअप ट्यूटोरियल जल्द ही शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले मैं अपनी ब्राउज को फिल करूंगी। ब्राउज को फिल करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ मिलाओ का जेल आईलाइनर, जो ब्राउन शेड में है। जनरली ये दो कलर में आते हैं, ब्राउन और ब्लैक, और आप अपनी अकॉर्डिंग अपना कलर चूज कर सकते हैं। आप अपनी ब्राउज को फिल कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि आपकी ब्राउज आगे से ज़्यादा फिल ना हो। अगर आपकी ब्राउज आप ज़्यादा फिल करेंगे तो आपकी ब्राउज नेचुरल नहीं लगेगी। आप अपनी ब्राउज का 1/3 पार्ट लाइट रखें और 2/3 पार्ट डार्क रखें। देख सकते हैं कि अपना आगे का हिस्सा लाइट रखा है और पीछे का हिस्सा डार्क रखा है। अब मैं एक ब्राउज ब्रश की हेल्प से अपनी ब्राउज को सेट करूंगी। अब मैं दूसरी आईब्राउ को भी इसी तरीके से भर लूंगी। अब मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से कंसीलर लगा लूंगी अपनी आईब्राउज को फिनिशिंग देने के लिए, ताकि मेरी ब्राउज उभरी हुई लगे। यहाँ जो मैं कंसीलर यूज कर रही हूँ वो मेबलिन फिटमी का कंसीलर है, और उसी कंसीलर से मैं अपनी पूरी आईलिड को कवर करूंगी, ताकि मेरी आई शेडो का कलर उभर कर आए, मेरे कलर डल ना लगे। मैंने अपने कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड किया हुआ है। अब मैं अपने कंसीलर को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ मिलाओ का सेटिंग पाउडर। अब मैं अपनी आई शेडो के लिए यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड आई पैलेट से ये वाला कलर। अब मैं इसे अपनी क्रीज लाइन पर लगाऊंगी। मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करूंगी। लाइन पता कर अपनी ब्रश की हेल्प से अपनी आंख की पुतली पर ऐसे चलाएं जैसे मैं चला रही हूँ। जहाँ आपको गहराई महसूस होगी वो आपकी क्रीज लाइन होगी। आई शेडो के लिए मैं आज ये वाली पैलेट यूज कर रही हूँ। इसमें से मैं ब्लू कलर उठा रही हूँ, जिसे मैं अपने आउटर कॉर्नर पर लगाऊंगी। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने मेरे टाइटल से आज देख ही लिया होगा कि आज मैं आपको रेनबो आई मेकअप कर दिखाऊंगी, जिसके लिए मैं आज 5 कलर यूज करूंगी। आउटर कॉर्नर के लिए मैं ब्लू कलर यूज कर रही हूँ। इनर कॉर्नर के लिए मैं येलो कलर ले रही हूँ। ये कलर थोड़ा शिमरी है। जनरली लोग इनर कॉर्नर पर हाइलाइटर लगाते हैं, पर मेरा कलर थोड़ा शिमरी है तो मेरा ये कलर हाइलाइटर और आई शेडो दोनों का काम करेगा। ये कलर मैं अपने ऊपर और नीचे दोनों लिड पर लगाऊंगी। अब मैं मिडल के लिए रेड कलर ले रही हूँ। मैं इस रेड कलर को अपने मिडल में अच्छे से लगा लूंगी। अब
आपको ये तीनों कलर अप्लाई करते समय बात का ध्यान रखना है कि आपको आपका ट्रांजिशन कलर भी दिखे, ताकि और आपके ये तीनों कलर आपने अप्लाई किए हैं वो भी दिखाई दे। आपको ये तीनों कलर ट्रांजिशन कलर के नीचे अप्लाई करने हैं। अब मैं लोअर लिड के इनर कॉर्नर पर येलो कलर अप्लाई करूंगी। अब मैं आउटर कॉर्नर पर टर्कोइस कलर लूंगी, जिसे फिरोजी कलर भी कहते हैं। ब्रश की हेल्प से उनके मार्जिन से ब्लेंड कर लूंगी। काजल के लिए मैं यूज कर रही हूँ मैक का काजल, इसे मैं अपनी वॉटर लाइन पर लगाऊंगी। लाइनर के लिए मैं पेंसिल लाइनर यूज कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत आसानी से हैंडल हो जाता है। बिगनर के लिए मैं सलाह दूंगी कि वो भी पेंसिल लाइनर यूज करें। शेप दूंगी, ये मुझे थोड़ा सा कैट आई लुक देगा। अब मैं अपने काजल को स्मज करूंगी। अब मैं सिवाना की आई पैलेट से हाइलाइटर यूज करूंगी। इधर मैं अपने ब्राउ बॉन्स पे लगाऊंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, हाइलाइटर लगाकर मेरी ब्राउ बॉन्स कैसे उभर कर आ रही है। अब मैं फॉल्सेस लगाने से पहले अपनी लैशेस को कर्ल कर लूंगी। अब मैं अपनी मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। मस्कारा मैं अपनी नीचे और ऊपर दोनों लैशेस पे लगाऊंगी। अब मैं फॉल्सेस लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा फाइनल लुक। मैंने इस लुक को क्रिएट करते वक्त बहुत इंजॉय किया। आशा करती हूँ आपको देखने में भी अच्छा लग रहा होगा। ये बहुत ही आसानी से आप क्रिएट कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा लगेगा। आप भी इसे ट्राई करें और करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।